Hello everyone, do you believe everything you read online? हर वीडियो जो YouTube पे दिखा भरोसा कर लेते हो? जितनी भी चीज TV में दिखाई जाती है, ये हेल्दी है, ये वो है, भरोसा कर लेते हो? जो भी न्यूज पे आता है सब सच होता है? The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone. Do you believe everything you read online? Har video jo YouTube pe dikha bharosa kar lete ho? Jitni bhi cheez TV mein dikhai jati hai, ye healthy hai, ye wo hai, bharosa kar lete ho? Jo bhi news pe aata hai sab sach hota hai? Nahi na. Lagate ho na apna dimag, ho na samajhdar, padhe likhe, to corona ke liye kyun nahi? इतनी गलत अफवाहें फैल रही है दुनिया में कि हमें अपने काम के बीच में से उठ के वीडियोस इतने वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं कि लोगों के पूछते पूछते ऑप्शन ही खत्म, क्वेश्चन ही खत्म नहीं हो रहे. इतने सारे मिथ है कोरोना वायरस के बारे में, इतना सारा समझा चुका हूं मैं वीडियोस में कि क्या है, कैसे फैलता है, क्या प्रिकॉशन लेना है, हवा में फैलता है नहीं फैलता बता चुका हूं आपके, बाकी सारी चीजें कैसे फैलता कैसे नहीं फैलता, एवरीथिंग, फ्लाई से फैलता, स्टूल से फैलता, लैटरिन से फैलता नहीं फैलता, देखिए सब कुछ मैं बता चुका हूं अगर आपने हमारे वीडियो देखे. आज हम और नए मिथ आ गए हैं. जी हाँ, और नए मिथ आ गए हैं. तो और नए मिथ जो मार्केट में पैदा होते जा रहे हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, फेसबुक से, इधर उधर से आपके पास पहुंच जाते हैं. कभी किसी की वीडियो आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, कभी ऑडियो आ जाता है, कभी कोई डॉक्टर ने कुछ कह दिया, कभी होम्योपैथिक डॉक्टर ने कुछ कह दिया, कभी दूसरे ने कुछ कह दिया, कभी क्या कह दिया, और आप हो जाते हो कंफ्यूज. आपको डिसाइड करना होगा कि भाई कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है. तो आज हम आपको बता रहे हैं कि क्या और बहुत सारे ऐसे मिथ के बारे में. तो पहला बहुत जरूरी, जो ऑलरेडी आपने देखा है कि कोरोना वायरस आपके मुंह में कुछ दिनों तक समथिंग लाइक दैट जिंदा नहीं रहता. तो ऐसा बहुत सारे मिथ सुनने में आ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं दारू पी लो, या दारू से अल्कोहल से गरारे कर लो, अल्कोहल से गार्गल कर लो, गर्म पानी से गार्गल कर लो, या फिर गर्म पानी से नहा लो, या फिर कुछ लोग तो दारू को सूंघने लग गए, अल्कोहल सूंघ लो तो वायरस मर जाएगा. कतई भी नहीं, ऐसा नहीं मरने वाला. एक बार वायरस आपके मुंह के अंदर, आपके नाक के अंदर गया तो उसको लंग्स के अंदर या सेल्स के अंदर जाने से आप नहीं रोक सकते. वो अपने आप उसके सेल के अंदर जाएगा ही जाएगा. उसने सीधा एक चुंबक के जैसे उसके ACE2 रिसेप्टर पे अटैच हो जाना है और अंदर घुस जाना है. यू कैनॉट स्टॉप इट. सो इस तरह की कोई भी बात का कोई तुक नहीं बनता. ना ही एप्पल साइडर विनेगर से आप वायरस का कुछ बिगाड़ सकते हो. नो, वो भी गलत है. चाय के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन चल रही है, बहुत सारे न्यूज चल रहे हैं कि ब्लैक टी, ग्रीन टी, हर्बल टी, येलो टी और अदरक वाली चाय, स्पेशल चाय, मसाला चाय, जिंजर टी, ये सब आपके सब आपको कोरोना वायरस से बचा लेंगे. आज के बाद आपको कोरोना वायरस नहीं होगा. सीरियसली, डू यू बिलीव इन दैट? बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं. जी हाँ, चाय में कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं आपकी इम्यूनिटी को, आपके बॉडी के वीकनेस को, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो रिलीफ दे सकता है सर्दी में भी थोड़ी बहुत अदरक वाली चाय. दैट डज नॉट मीन कि वो एक ट्रीटमेंट है. हाँ, वो सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है. बट ऐसा क्लेम करना, लोगों को गुमराह करना कि यही ट्रीटमेंट है, भाई साहब रोज पियो रोज पियो, दैट्स रॉन्ग. डोंट इवन थिंक अबाउट दैट. ऐसे ही एक, बल्कि इंडिया में नहीं, यूएस में भी ऐसे बवंडर लोग करते हैं, ब्लंडर मारते हैं. यूएस में भी पॉलिटिशियंस कुछ कह रहे हैं कि आप ऐसा करो भाई, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 140 डिग्री पे कोरोना वायरस मर जाता है, या वट एवर द डिग्री इज, आई एम नॉट श्योर. बट देन वो कहते हैं कि ब्लो ड्रायर मार दो आप. हाँ, आप ऐसा करो, ब्लो ड्रायर से सांस लो, गरम गरम सांस अंदर जाएगी, कोरोना वायरस मर जाएगा. ये दिखाता है कि लोग कितने अनपढ़ भी नहीं कहेंगे, बट साइंस की नॉलेज नहीं है कि कोरोना वायरस सेल के अंदर है. वेरी सिंपल सी चीज है, राइट? जब ऊपर है कोई चीज आपकी चमड़ी के ऊपर है तब तो उसको धो लोगे, अल्कोहल से साफ कर लोगे, कर लोगे. लेकिन कोई चीज अंदर घुस गई तो ऊपर से घसते रहने से कुछ नहीं होगा, वो अंदर चलेगी. काट के निकाल लोगे क्या? नहीं ना. तो वो चीज को उसके अंदर, अगर आप सांस के अंदर कुछ भी गर्म ऐसे डालोगे, उल्टा सीधा डालोगे, तो लंग्स डैमेज हो जाएंगे. सो डोंट इवन थिंक अबाउट ऑल दोज थिंग्स कि हीट से मर जाएगा तो हीटर चालू कर लो, एसी से जिंदा रहेगा तो एसी मत चालू करो. दैट्स सो रॉन्ग. जी नहीं, ऐसा नहीं है कि एसी चालू करोगे तो ये फैल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं. ये भी गलत मिथ है कि एसी से फैलेगा. लेकिन ये जरूर है कि एसी वाले टेम्परेचर में
अगर वहां पे कोई छींकता है या उसको ठंडा लगता है तो जरूर वहां पर वो उसकी जो बाहर रहने की ड्यूरेशन है वो बढ़ जाएगा। तो यस, टेम्परेचर बहुत ठंडा मत करो, पर एकदम तपता हुआ गर्म भी मत करो। डोंट बी मैड दैट वे ऑल्सो। गर्मा गर्म पानी से नहीं नहाना है, नॉर्मल टेम्परेचर पानी से नहाना है। लोग गर्म गर्म पानी से नहा रहे, बोल रहे कि भाई हम वायरस को गर्म पानी से मर जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। डोंट बर्न योर स्किन, स्किन काली हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी, खराब हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, राइट। हॉट वाटर बाथ और एक्सेट्रा एक्सेट्रा का कोई ज्यादा फायदा नहीं है, राइट। उसके बाद में कई लोग कह रहे हैं के एसी हो गया, ये हो गया, खाना खाने का बोल रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि सर खाने के ऊपर जिंदा रहता है क्या, सब्जी के ऊपर जिंदा रहता है क्या। बेसिक है उसका, जब खाना पकता है कोई भी वायरस, कोई भी किसी भी प्रकार का वायरस है, उसकी इंटीग्रिटी वायरस डीनेचर हो जाता है, तो वो फिर आपको जाके अंदर डैमेज नहीं कर सकता। इवन इफ अगर आपकी सब्जी भाजी में वायरस है, गर्म दूध के अंदर वायरस है, तो दूध पकाओगे गर्म करके पियोगे तो कुछ दिक्कत नहीं होगी। बाहर के सरफेस को दूध के या सब्जी के नॉर्मल पानी से धोइए। जो प्लास्टिक का है, जो जैसा है, उसको अगर साबुन पानी से धो सकते हो तो साबुन पानी से, सब्जी को मत धोना साबुन पानी से, वो अपने आप पक जाएगी। तो सैलेड वैलेड थोड़ा कम खाओ, बस इतना ही करना है। और बहुत से क्लेम आ रहे हैं, देसी नुस्खे आ रहे हैं, पीपल के पत्ते ले लो, सरसों का तेल ले लो, ऐसा ऐसा नुस्खे बना रहे हो। कोई प्रूफ नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। कई लोग होम्योपैथिक मेडिसिन, आर्सेनिक और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई बनाना तुलसी टर्मरिक का नुस्खे दे रहे हैं। न्यूज चैनल में बनाना का आ गया भाई, बनाना क्योर है। भगवान, रोस्ट वाले लोग कहाँ है, रोस्ट करो इनका। वट एवर इट इज, मतलब क्या बोलूं मैं अब, दैट इज सो हेल ऑफ अ थिंग यार, क्या है ये। कई लोग नेल्स को अटैच हो जाता है, बोले नेल्स नेल्स बहुत छोटी छोटी, नेल्स को अटैच नहीं होता, बट यस नेल्स काटने चाहिए, बट दैट डज नॉट मीन कि आप लोगों को कुछ भी बोलोगे, राइट। हवा से फैलता है, हाउस फ्लाई से चलता है, मच्छर में फैलने लग गया है, सारे पेट्स में हो गया है, नहीं, इसका कोई प्रूफ नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, एक वायरस के फैलने का एक मेजर सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन होता है, एक माइनर सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन होता है, राइट। तो हमें मेजर सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जो बॉस है, जो मेन माफिया होता है, ड्रग माफिया, उसको रोकना होता है। जो गली गली में थोड़े बहुत चल रहे, छुट्टे चल रहे हैं यहां वहां, उसको कुछ नहीं होता, उससे वो अपने आप सरवाइव नहीं कर पाएगा। सो अगर मेन ट्रांसमिशन मेथड आपने बंद कर दिया तो ये इससे नहीं होने वाला है, ये मच्छर मक्खियों से नहीं फैल रहा है, स्टूल से नहीं फैल रहा है, याद रखिए, ठीक है। बट हाँ, गंदे हाथों से जरूर फैल रहा है, सबसे ज्यादा बड़ा है गंदे हाथ, जो ऑलरेडी हमने बता रखी है। तो बहुत सिंपल और 5 बेसिक रूल्स हैं जो हम बार बार बताते हैं। कई लोग कहते हैं सर न्यूज़पेपर से फैलेगा क्या, पेपर से फैलेगा क्या, मनी से, करंसी से फैलेगा क्या। जी हाँ, उससे फैल सकता है, बिकॉज आपने किसी भी चीज को हाथ लगाई, आपके कपड़ों तक से फैल सकता है। कपड़ों के ऊपर भी ये 2 से 3 दिन तक, डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर, 1 से 3 दिन मान लीजिए वहां पे जिंदा रह सकता है, तो पेपर पे भी 1 से 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। न्यूज़पेपर हो या फिर करंसी का पेपर हो तो जिंदा रह सकता है। तो मेक श्योर करिए कि अपने तरफ से थोड़ा प्रिकॉशन ले। कई लोग कह रहे हैं कि ये चाइना ने 450 ट्रिलियन डॉलर की उसकी दवाई बेची है, ऐसा कोई भी चीज नहीं है। कृपया, मतलब भाई साहब, जिसको ऐसा बिलीव करके बैठे हैं वो तो नीचे बोलेंगे यार सर आपको नहीं पता, आप वो है, वो है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई किसी भी तरीके से कहीं पर भी कोई प्रूफ नहीं है। लोग अपने तरफ से नए नए वो बनाते रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फिलोसफीज। तो प्लीज आप रिलैक्स करें, चिंता ना करें। कई लोग कहते हैं 5G, 3G 4G के बाद 5G आ गया, उसके वजह से कोरोना आ गया है। कतई भी ऐसा कुछ नहीं है। और फिर वो ब्रेथ होल्डिंग टेस्ट वाला, 10 सेकेंड, 1 मिनट ब्रेथ होल्ड करना है, 40 सेकेंड तक कर सकते हो या 1 मिनट तक कर सकते हो, तो आपको कोरोना नहीं है। उसका तो ऑलरेडी वीडियो बनाया है, वो तो पूरा पागलपन है, मतलब इलॉजिकल बातों की हद हो जाती है लोगों की, राइट। और सो जितने भी ऐसे जगह लग रहे हैं जो गलत इंफॉर्मेशन देते हैं, उसको अपने जिंदगी, अपने लाइफ से निकालो, खत्म करो, एंड इट, राइट। और अगर लगता है कि कोई गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको बोलो, दैट्स वॉट यू कैन डू, दैट्स माई पर्सनल एडवाइस टू यू। बाकी जितने भी मिथ्स हैं, आप वीडियोस के नीचे कमेंट डालते जाइए। हर वीडियो में जो पहले कुछ कमेंट्स होते हैं, मैं रोज पढ़ता हूँ, हमेशा पढ़ता हूँ। सो कोशिश होती है, सबको रिप्लाई तो नहीं कर सकते यार, सो प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। कई लोगों को लगता है पता नहीं डॉक्टर साहब काम भी कर रहे हैं कि नहीं। जी हाँ, हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल में ऐसा नहीं होता कि पेशेंट के पास ही बैठना होता है, राउंड्स लेके आके अपने रूम में बैठ सकते हैं। सेम अपने रूम में बैठ के हम आपके लिए काम करते हैं। सो प्लीज हेल्प मी आउट, स्प्रेड द वर्ड, स्प्रेड द न्यूज। आई एम डॉक्टर परमजीत, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेकिंग वीडियोज फॉर यू फ्रॉम द हॉस्पिटल। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।